हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्रोशेट से डॉल का ड्रेस कैसे बनाना है इसका वीडियो लेके आई हूँ। इसमें मैंने शाइनिंग का वूल इस्तेमाल किया है, पिंक और वाइट का कॉम्बिनेशन लिया है। आपको जो कॉम्बिनेशन अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब की वजह में जो बेल आइकॉन है इसे प्रेस करना मत भूलिए। इससे क्या होगा, मेरे जो नए नए वीडियो आते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे, और ये बिल्कुल फ्री है। चलिए सीखते हैं ये ड्रेस कैसे बनाना है। मैंने लिया है ये डॉल, शाइनिंग का वो लिया है मैंने, पिंक कलर का और वाइट कलर का। क्रोशो हुक है हमारा 1.75 mm का। पहले हमें 38 चेन्स बनानी है, 38 चेन्स बना के लेनी है पहले हमें। देखिए 38 चेन्स मेरी हो गई। अब ये हमें मेजर करके देखना है कि ये परफेक्टली आ रहा है कि नहीं। इसमें देखिए ये परफेक्टली आ रहा है, अगर नहीं तो आप इसमें और चेन्स भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हर डॉल का साइज़ अलग होता है, तो आप उस हिसाब से ये चेन्स बना के ले लीजिए। इसके बाद हमें जो हमारा पहला चेन है इसमें क्रोशे को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमें एक दो तीन तीन चेन्स लेनी है। आगे का जो चेन है इसमें हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। इसके बाद सारे जो चेन्स हैं इसके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट बनाना है, पहला तीन चेन्स का और आगे के 37 डबल क्रोशेट। टोटल 38 डबल क्रोशेट हो जाएंगे हमारे। अगर आप ज़्यादा चेन्स ले रहे हैं तो आप उसी हिसाब से ये डबल क्रोशेट बनाइए। ये हमारे 38 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं। हर चेन्स के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। देखिए ये हमारा लास्ट वाला डबल क्रोशेट है। इस तरह से हमारे 38 डबल क्रोशेट कंप्लीट हो गए। जो हमारा पहला तीन चेन्स का स्टिच है उसमें क्रोशो को डालना है और ये राउंड हमें कंप्लीट करना है। इसके बाद हमें एक दो तीन तीन चेन्स लेनी है। तीन चेन्स के बाद आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर ही डबल क्रोशेट, फिर से जो उसके बाद का डबल क्रोशेट है इसके ऊपर ही डबल क्रोशेट। हर डबल क्रोशेट के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। इसी तरह से हमें ये राउंड भी कंप्लीट करके लेना है, हर डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। इसी तरह से सारे डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं। देखिए सारे डबल क्रोशेट मेरे कंप्लीट हो गए। इस तरह से हमने ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ राउंड्स बनाए हैं। ये हमें डॉल के हाइट के अनुसार लेने हैं। ये मैंने आठ राउंड बनाए। अब हमें ये जो हमारा तीन चेन का स्टिच था उसमें ये क्रोशे को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। तीन चेन्स लेनी है। तीन चेन्स लेने के बाद सेम डबल क्रोशेट में हमें से एक डबल क्रोशेट और बनाना है। जो डबल क्रोशेट है उसमें हमें और एक डबल क्रोशेट ऐड करना है। देखिए दो डबल क्रोशेट हो गए, पहला एक चेन का और आगे का डबल क्रोशेट। उसके बाद का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर भी हमें दो डबल क्रोशेट बनाने हैं, एक और ये दो। सेम आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर भी हमें दो डबल क्रोशेट बनाने हैं, एक और ये दो। इसी तरह से हर डबल क्रोशेट के ऊपर हमें दो दो डबल क्रोशेट बना के ये राउंड कंप्लीट करना है।
ठीक है, इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। हर डबल क्रोशेट के ऊपर हमने दो दो डबल क्रोशेट बनाए। अब जो पहला हमारा तीन चैन का स्टिच है उसमें हमें क्रोशो को डालना है और ये सर्कल हमें कंप्लीट करके लेना है। आगे एक दो तीन, तीन चैन्स लेनी है। जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है उसमें हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। इसके बाद हमें दो चैन्स लेनी है, एक और दो। आगे के दो डबल क्रोशेट हमें स्किप करने हैं। उसके बाद के जो दो डबल क्रोशेट हैं इनके ऊपर हमें दो डबल क्रोशेट बनाने हैं। एक हो गया, उसके बाद का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट। फिर से दो चैन्स लेनी हैं, आगे के दो डबल क्रोशेट हमें स्किप करने हैं। उसके बाद के जो दो डबल क्रोशेट हैं इनके ऊपर हमें दो डबल क्रोशेट बनाने हैं, एक और ये दो। जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम बना रहे हैं, सेम डबल क्रोशेट में नहीं बना रहे हैं, उसके आगे का डबल क्रोशेट है वहाँ पे बना रहे हैं। दो चैन्स लेनी है, आगे के दो डबल क्रोशेट स्किप करने हैं। उसके बाद के जो दो डबल क्रोशेट हैं इनके ऊपर हमें दो डबल क्रोशेट बनाने हैं। इस तरह से ये राउंड हमें कंप्लीट करना है, दो डबल क्रोशेट दो चैन, राउंड हमें कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए ये राउंड कंप्लीट करके मैं आ गई। अब हमें जो हमारा पहला तीन चैन का स्टिच है उसमें क्रोशे को डालना है और ये सर्कल हमें कंप्लीट करना है। दो स्लिप स्टिच लेके हमें आगे जाना है, एक और ये दूसरा। यहाँ पे हमें फिर से दो डबल क्रोशे बनाने हैं, पहले ये तीन चैन का, इसके बाद हमें एक डबल क्रोशेट। दो चैन्स लेनी है, आगे का जो ये गैप है यहाँ पे हमें दो डबल क्रोशेट बनाने हैं। फिर से हमें दो चैन्स लेनी है, आगे का जो गैप है दो चैन्स का वहाँ पे हमें दो डबल क्रोशेट बनाने हैं। फिर से हमें दो चैन्स लेनी है, जो नेक्स्ट गैप है वहाँ पे हमें दो डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये राउंड हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है, दो डबल क्रोशेट दो चैन। इसी तरह से हमें और ये आगे बनाते जाना है। सेम पैटर्न में हमें सिर्फ जो सेंटर की चैन्स है वो हमें एक्सटेंड करनी है, बढ़ानी है। जो दो दो डबल क्रोशेट है हमें सेम रखने हैं, सिर्फ हमें ये चैन जो है वो दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, इस तरह से ये चैन्स हमें बढ़ानी है। जो डबल क्रोशेट हमें सेम रखने हैं, देखिए सेम पैटर्न मैंने बनाया है, सिर्फ हमने चैन्स बढ़ाई है। जो पहले तीन राउंड्स हैं वो हमने दो दो चैन्स ली है, आगे के तीन राउंड्स हैं उसमें हमने तीन तीन चैन्स ली है। जो उसके आगे के तीन राउंड्स हैं इसमें हमें चार चार चैन्स ली है, और ये जो दो राउंड है लास्ट के उसमें हमने पाँच पाँच चैन्स बनाई है। अगर आपकी डॉल की हाइट ज़्यादा है तो आप इसके आगे भी राउंड्स बना सकते हैं। जो हमने दो राउंड्स बनाए हैं पाँच चैन्स को लेके, उसके आगे आप और एक राउंड्स बना सकते हैं पाँच चैन्स का, और उसके बाद चाहे तो और छः चैन्स का भी राउंड्स बना सकते हैं। पैटर्न कंप्लीट होने के बाद आप ये डॉल को पहना के देख लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें कितने राउंड्स बढ़ाने हैं। देखिए ये हमारे डॉल को परफेक्टली आ रहे हैं, तो मैं इसके आगे और राउंड्स नहीं बढ़ाऊंगी। ये हमारा लास्ट का राउंड है। अब हमें जो नेक्स्ट हमारा धागा है वो ज्वाइन करना है। ये हमारा बेस है, जो डॉल का ड्रेस है वो, इसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए ये पिंक कलर का धागा हमें ज्वाइन करना है। दो डबल क्रोशेट के सेंटर में हमें ये धागा ज्वाइन करना है। देखिए यहाँ पे जहाँ हमने ये दो डबल क्रोशेट स्किप किए थे, यहाँ पे हमें ये पिंक कलर का धागा ज्वाइन करना है। इस तरह से हमें ये धागा ज्वाइन करना है, क्योंकि ये सिल्क का थ्रेड है, इसको नॉट अच्छे से लगानी है, नहीं तो ये निकल भी सकता है।
यहाँ पे पहले हमें तीन चेन्स बनानी है, एक दो और तीन। सेम जगह पे हमें और तीन डबल क्रोशेट बनानी है। एक हो गया, ये दूसरा, और ये तीसरा। पहले तीन चेन्स का और आगे के तीन डबल क्रोशेट, टोटल चार हो गए। दो चेन्स ली मैंने, देखिए ये जो नेक्स्ट दो डबल क्रोशेट हमने स्किप किए थे वहाँ पे हमें चार डबल क्रोशेट बनाने हैं। एक, दो, तीन और ये चार। सेम दो चेन्स लेनी है, आगे की जो दो डबल क्रोशेट है यहाँ पे हमें इसके सेंटर में ये चार डबल क्रोशेट बनाने हैं। एक, दो, ये तीसरा और ये चौथा। इसी तरह से हमें ये पैटर्न कंप्लीट करना है। हर जो दो डबल क्रोशेट है इसके सेंटर में हमें चार चार डबल क्रोशेट बनाने हैं। सारे ड्रेस में हमें इसी तरह से ये चार चार डबल क्रोशेट बना के लेने हैं। यहाँ तक जो पहले हमारा तीन चेन का स्टिच है इसमें हमें क्रोशे को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। अब हमें चार स्लिप स्टिच लेनी है, यहाँ आना है तो चार स्लिप स्टिच लेनी। एक, दो, तीन और ये चार। इसके बाद हमें तीन चेन्स लेनी है, एक, दो, तीन। सेम जगह पे हमें और तीन डबल क्रोशेट बनाने हैं। एक, ये दो और ये तीन। अब हमें दो चेन्स लेनी है, एक और दो। सेम जगह पे हमें और चार डबल क्रोशेट बनाने हैं। टोटल ये आठ डबल क्रोशेट हो गए, पहले तीन चेन्स का और आगे के सात डबल क्रोशेट। सेंटर में हमने दो चेन्स ली है, टोटल हमने आठ डबल क्रोशेट बनाए। अब हमें ये लास्ट वाला डबल क्रोशेट हमारा कंप्लीट करके लेना है। देखिए आठ डबल क्रोशेट मेरे हो गए। आगे का जो गैप है वहाँ पे भी हमें आठ डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इसके बाद हमें दो चेन्स लेनी है सेम जगह पे और हमें चार डबल क्रोशेट बनाने हैं। हर गैप में हमें आठ आठ डबल क्रोशेट बनाने हैं दो दो चेन्स लेके। ये लास्ट वाला हमारा डबल क्रोशेट, आठ डबल क्रोशेट हो गए। सेम जो नेक्स्ट गैप है वहाँ पे हमें इसी तरह से आठ डबल क्रोशेट बनाने हैं। हर गैप में हमें आठ आठ डबल क्रोशेट बना के ये राउंड कंप्लीट करके आना है। देखिए ये आठ आठ डबल क्रोशेट बना के मैं ये राउंड कंप्लीट करके आ गई। अब हमें हमारा जो पहला तीन चैन का स्टिच है उसमें क्रोशे को डालना है और ये सर्कल कंप्लीट करना है। इसके आगे हमें चार चैन है, एक, दो, तीन और चार।
चार चैन के बाद जो नेक्स्ट गैप है वहाँ पे हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। फिर से एक चैन लेना है, जो नेक्स्ट गैप है वहाँ पे हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। फिर से एक चैन लेना है, आगे का जो गैप है वहाँ पे हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। एक चैन लेना है, जो डबल क्रोशेट के बाद गैप है, देखिए यहाँ पे हमें चार डबल क्रोशेट बनाने हैं, ये पहला। इसके बाद एक चैन लेना है सेम जगह पे हमें, ये दूसरा डबल क्रोशेट। फिर एक चैन लेना है, एक तीसरा डबल क्रोशेट। एक चैन लेना है और ये चौथा डबल क्रोशेट। जहाँ पे हमने ये दो दो चैन्स बनाई थी वहाँ पे हमने ये चार डबल क्रोशेट ऐड किए। आगे सेम हर एक डबल क्रोशेट के बाद हमें एक एक डबल क्रोशेट बनाना है, एक एक चैन लेके। देखिए यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है, एक चैन लेना है। फिर से ये डबल क्रोशेट के बाद जो गैप है वहाँ पे हमें एक डबल क्रोशेट, एक चैन। फिर से जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसके बाद हमें एक डबल क्रोशेट, एक चैन। फिर से जो डबल क्रोशेट के बाद गैप है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट, एक चैन। सेम पैटर्न हमें ये फॉलो करना है, हर डबल क्रोशेट के बाद हमें एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। सिर्फ जहाँ पे हमने दो चैन्स बनाई हैं वहाँ पे हमें चार डबल क्रोशेट बनाने हैं। देखिए इस तरह से होगा हमारा पैटर्न, जहाँ पे हमने दो चैन्स ली है वहीं पे हमें चार डबल क्रोशेट बनाना है, बाकी हर जगह पे हमें एक डबल क्रोशेट एक चैन बना के ये राउंड कंप्लीट करके आना है। इस तरह से मैंने सारे पैटर्न्स बना के ले लिए हैं। अब हमें जो हमारा पहला तीन चैन का स्टिच है इसमें क्रोशियो को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करके लेना है। धागे को अच्छे से कट करके नॉट लगा के छुपा देना है। देखिए इस तरह से हमारे सारे पैटर्न्स बना के हो गए हैं। ये हमारा पहला पैटर्न है, इसके बाद ये दूसरा और ये तीसरा। यहाँ पे हमने चार लाइन स्किप किए हैं, इसके बाद हमने ये एक दो तीन चार चार लाइन स्किप किए हैं। इस तरह से हमारा पैटर्न कंप्लीट है। अब हम जो ऊपर का ड्रेस का बॉर्डर है वो बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हमें धागा ज्वाइन करना है।
अच्छे तरह से नॉट लगा के लेनी है। पहले हमें तीन चेन्स बनानी है, एक दो और तीन। इसके बाद हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। आगे के सारे डबल क्रोशेट के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट बना के लेना है। देखिए सारे डबल क्रोशेट मेरे हो गए। अब यहाँ पे हमें एक दो और तीन, तीन चेन्स लेके टर्न करना है। आगे का एक डबल क्रोशेट हमें स्किप करना है। उसके बाद का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। एक डबल क्रोशेट हो गया। इसके बाद के सारे डबल क्रोशेट के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। सारे डबल क्रोशेट हो गए मेरे। लास्ट का डबल क्रोशेट हमें स्किप करना है। उसके बाद का जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। अब हमें यहाँ पे चेन्स लेनी है। ये मैंने 24 चेन्स ली हैं। देखिए 24 चेन्स मेरी हो गई। अब हमें ये डॉल के गले में डाल के देखना है ये बराबर से बैठ रही है कि नहीं। अगर नहीं बैठ रही है तो आप थोड़ा और बढ़ा भी सकती हैं ये चेन्स। इस तरह से हमें ये बंद कर देने हैं। धागे को कट करना है और एक्स्ट्रा धागा नॉट लगा के छुपा देना है। देखिए इस तरह से हमारा ये ड्रेस कंप्लीट हो गया है। ये डॉल अच्छे से खड़े रह सके इसके लिए हमें ये प्लास्टिक का पीस लेना है। चाहे तो आप थर्माकोल का पीस भी ले सकते हैं या तो जो एम्प्टी फूड कंटेनर्स होते हैं ये भी ले सकते हैं। इस तरह से इसे रखना है। ये मैंने 2.5 लीटर का बॉटल का पीस लिया है। ऊपर का हिस्सा कट करके आप इसमें डॉल को सेट कर सकते हैं क्योंकि ये अच्छे से फिर खड़ी होगी। देखिए इस तरह से हमारी ये डॉल तैयार है। डेकोरेटिव आइटम की तरह इसे आप घर में यूज़ कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट दे सकते हैं या शादी में रुखसत में भी आप इसे लगा सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आपके कमेंट्स मुझे ज़रूर दीजिए। थैंक यू।